स्किन का फोर चैनल वलाइनर कन्वर्टर जाने वाला है आज पुंटो के अंदर। सबसे पहले गाइस इसकी यही पे बैठ के करेंगे अनबॉक्सिंग, बहुत ही ऑसम सी, एंड इसके बाद देखते हैं कि इसको इंस्टॉल करना सिमिलर है JBL लाइनर कन्वर्टर के साथ, जो JBL फेक JBL है बेसिकली, आई डोंट नो कि वो क्या है। सो आप लोगों ने अगर उसका इंस्टॉल किया और परफॉर्मेंस नहीं देखा तो प्लीज डू चेक इट आउट, मैं आपको लिंक्स वगैरह दे दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो फटाफट गाइस इसका बॉक्स जो भी है, ये रैपर टाइप का जो भी होता है, इसको काटना एंड फाड़ना शुरू करते हैं, अंदर से देखते हैं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है एंड वायरिंग क्या क्या इसमें दे रखी है। एंड आई होप कि कोई मैनुअल हो, क्योंकि वाली वायरिंग का कोड से हर चीज 100% नहीं पता चलती। सो लेट्स गेट स्टार्ट गाइस, फटाफट से ये काम खत्म करते हैं एंड फिर चलते हैं इस कार में इसको इंस्टॉल करने। लेट्स गो। Alright guys, so ये है कार स्किन का लाइन आउट कन्वर्टर 4 चैनल। As you guys can see, there are two sets of RCA line outs and यहाँ पे पूरा एक वायरिंग हार्नेस डालने की जगह दे रखी है। सो यहाँ से ही इसका मैंने ट्राई किया था खोलने का, सो ये ऐसे ही खुल जाना चाहिए, खुल नहीं रहा बेसिकली, फट फूट रहा है जो भी हो रहा है, बट ऐसे ही होगा। आप उसी साइड से भी कर लेते हैं। अच्छा, here we go guys, almost there. चलो इतने से ही काम शायद हो जाए हमारा। सो पहले इसको निकाल देते हैं, देन वी हैव व्हाट इज दिस वायरिंग हार्नेस एंड दिस इज द गाइस लाइन आउट कन्वर्टर। ऑलराइट गाइस, सो ये है हमारा लाइन आउट कन्वर्टर जो कि ठीक ठाक सा लग रहा है, एंड वी हैव दिस वायरिंग हार्नेस। अब इस वायरिंग हार्नेस के अंदर मैं आपको बता दूँ, ये स्पीकर है, ये भी स्पीकर है, ये भी स्पीकर है, ये भी स्पीकर है। सो बीच में हमारे बचती हैं 3 वायर्स। सो अब रेड एंड ब्लैक तो ऑब्वियसली बात है पावर के लिए हो गई, एंड जो ब्लू वाली वायर है ये या तो रिमोट इन होगा या ये रिमोट आउट होगा। सो ये तो अब चला के पता चलेगा। सो ये गाइस यहाँ पे हमें लेवल कंट्रोल करने के लिए भी दिया हुआ, आई डोंट नो कि इसमें दो अलग अलग भी दे रखे हैं, विच इज़ काइंड ऑफ यूनिक, एंड बस इसके अंदर यही है। सो अब इसको गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करना है एंड देखते हैं। एंड यहाँ से इसको मैं अगर ऐसे करूँगा तो फ्रंट पैनल कैन बी रिमूव्ड, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट कूल आउट से। सो एक बार आपको पूरा निकाल के दिखाई देता हूँ अगर ये साइड से भी इजीली आ गया तो। इससे यार JBL वाला तो खुलता ही नहीं है, मैंने एक्चुअली ट्राई किया था उसे खोलने का, बट वो तो खुल के राजी नहीं है, एंड ये वाला तो कह रहा है भैया खोल लो मुझे। देयर वी गो गाइस, सो दिस इज द कार स्किन लाइन आउट कन्वर्टर। इसमें 4 छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मर्स दे रखे हैं, विच इज यूनिक एक्चुअली, एंड यहाँ पे कई सारी और चीज़ें, 4 बेसिकली मेरे ख्याल से 4 चैनल्स के हिसाब से होंगे, विच इज़ एक्चुअली नाइस थिंग। बट आई होप कि इसकी जो पावर आउटपुट है वो काफ़ी अच्छा हो, JBL वाले का बहुत अच्छा है, सो आई होप कि इसका भी बहुत अच्छा हो। सो ज़रा इसको वापस से, ये प्लास्टिक बॉडी ही है, सो ज़रा इसको डाल दिया जाए अंदर वापस से, शायद इनके चैनल्स का सीन है, इन चैनल्स के अंदर इसको फंसाएंगे तो ये आराम से अंदर मूव करेगा। इस साइड से ये नहीं जा रहा तो शायद इस साइड से जाएगा। There we go. आ गया ना। अब एक साइड पे ऑब्वियसली बात है हमारे लाइन आउट जो RCA पॉइंट्स वो जाने वाले हैं। सो जस्ट लाइक दिस आई वुड से कि आराम से चले जाना चाहिए, वैसे इसमें कुछ लंबी चौड़ी स्टोरी तो है नहीं। There we go guys. एक साइड आराम से हो गई एंड दिस इज द अदर साइड, एंड यहाँ पे हमें छोटे छोटे गाइस काइंड ऑफ पोटेंशियोमीटर्स दे रखे हैं, बहुत ही छोटे साइज के हैं, विच इज नाइस एक्चुअली, क्यूट लग रहा है। सो इसका बस यहाँ पे ये जो लाइट है LED वाली, इसका ध्यान रखना है, बाकी तो ये आराम से चले ही जाएगा। देयर वी गो गाइस, ऑल वेल्स द एंड्स वेल, राइट। ऑलराइट गाइस, सो ऑब्वियसली बात है लाइन आउट कन्वर्टर इंस्टॉल करने के लिए हमें वायरिंग चाहिए स्पीकर की जो स्टेरो से जा रही है। सो ये हमें कीज यूज करनी है। सो आप देख रहे हो ये ऑलरेडी थोड़ा सा बाहर है क्योंकि मैं इसे ऑलरेडी खोल चुका हूँ। सो जस्ट आई एम गोइंग टू स्लाइड इट आउट एंड आप सारी वायरिंग यहाँ पे देखोगे, ये रही जहाँ पे मेरे स्कॉच लॉक्स वगैरह लगे हुए थे, एंड पीछे ही कहीं आपको भी मैं लाइट ऑन कर दूंगा, वहाँ पीछे ही कहीं आप ये आपको दिख रहा है ये पे ना JBL का लाइन आउट कन्वर्टर लगा हुआ है। सो इसको बस यहाँ से हटाना है एंड जो नया वाला है उसको कनेक्ट कर देंगे जो ये कार स्किन का है। आई होप कि ये आउटपुट अच्छा दे दे, मज़ा आ जाएगा। अब ये 4 चैनल पे मैं शिफ्ट कर दूंगा इसे, देन फ्यूचर में कुछ अपग्रेड का प्लान किया हुआ है। सो ये उसी के लिए फर्स्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, एंड ये है इसका वायरिंग हार्नेस। सो पहले मैं इसी को इंस्टॉल करूंगा फिर इसको आराम से लगा दूंगा, जो कि बहुत इजी रहेगा। एंड देख ही रहे हो आप, स्टेरियो में हटा देता हूँ, खाली वायरिंग लेता हूँ यहाँ से
एंड बहुत ही इजीली ये काम हो जाना चाहिए. लेट्स सी क्या होता है. गाइस तो ये है अपना JBL बाय हर्मन का लाइनर कन्वर्टर. आई नो कि इट्स अ फेक वन क्योंकि JBL सुना है मैंने कि लाइनर कन्वर्टर नहीं बनाते हैं, बट स्टिल इट वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन. सो मैं इसकी गाइस सोच रहा हूँ कि इसको वापस यूज तो करना नहीं, किस करना भी होगा तो इसके बाद वायरस वापस अटैच कर दूंगा. ये स्कॉच लॉक्स नहीं हटा रहा, यहां से इसकी वायरिंग काट लेता हूं सारी की सारी जितनी भी है, एंड उस वायरिंग के साथ मैं ये वाला वायरिंग हार्नेस कनेक्ट कर दूंगा. सो अपना काम बन जाएगा. तो स्कॉच लॉक्स वापस से लगाने का हटाने का झंझट मैं नहीं कर रहा क्योंकि चार अभी और ऐड करने हैं जो कि वो बहुत टफ रहने वाले क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत कम. सो ये एक जिप टाई भी मैंने लगाई हुई है, सबसे पहले ये हटानी पड़ेगी तब ये काम इजीली हो पाएगा. एंड गाइस जिप टाई हटाने का सबसे इजी तरीका ये वाला कटर है क्योंकि इसकी पॉइंटेड आगे से होता है फेस, सो आराम से ऐसे काट लेगा बहुत इजीली. So guys, सारी वायर्स मैंने यहीं से काट दी हैं. सो वी हैव दीज लॉन्ग केबल्स जिनके साथ इनको कनेक्ट करना काफी ज्यादा इजी रहने वाला है. सो काफी ज्यादा मजा आएगा. गाइस तो मैंने रिमेनिंग जो वायर्स मैंने कट की थी इस वाले लाइनर कन्वर्टर से इनको डायरेक्टली इस टाइप से ज्वाइन कर दिया है. मैंने न्यू स्कॉच लॉक्स ऐड कर दिए हैं बट मैं अभी इन्हें वहां पे कनेक्ट नहीं कर रहा. उसका रीजन ये मैं पहले सारा कुछ कनेक्ट करके देखना चाहता हूँ कि ये चीज चल भी रही है कि नहीं. पता चले और पंच हो गए स्कॉच लॉक्स एंड ये चला नहीं तो बड़ी दिक्कत सी हो जाएगी. ये तो कभी भी हटाया जा सकता है बट आई होप कि ये एकदम बहुत बढ़िया कंडीशन में हो तो मजा आ जाएगा. सो देखते हैं मेरी स्टीरियो वगैरह को जोड़ के एंड करते हैं. तो मैंने स्टीरियो के कनेक्टर्स यहाँ पे लगा दिए हैं एंड लाउड कंट्रोल का कनेक्टर भी लगा दिया है. सो अब जरा चाबी घुमा के देखते हैं डज दिस वर्क. हियर वी गो इन 3, 2, 1. सो स्टीरियो हमारा ऑन हो गया है एंड इधर फिलहाल आगे लाइट. अच्छा इसमें लिखा हुआ है 3 सेकंड का डिले ऑन पे है एंड ऑफ पे 10 सेकंड बाद बंद होगा. मैंने बंद कर दिया, देखते हैं कितनी देर बाद ये बंद होता है. एग्जैक्टली जल्दी हो गया यार, उसमें 10 सेकंड का लिखा था बट इन एनी केस इट डज वर्क. सो मैं इनको कनेक्ट करूं अभी. मैंने क्या कहते हैं अपने स्कॉच लॉक्स तो यहाँ पे डाल दिए हैं चारों के चारों, बस इनको जोड़ना ही है. इनमें से एक वायर नहीं जोड़नी ये वाली. अब ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि रिमोट आउट है या रिमोट इन है. सो ये मुझे चेक करना पड़ेगा मल्टीमीटर से. बट इन एनी केस मैंने एम्प का तो इन एनी केस यहाँ से फ्यूज बॉक्स दे रखा है कनेक्शन फॉर द रिमोट क्योंकि ये एक्चुअली इसकी रिमोट लाइन काफी पहले खराब हो गई थी. सो बाकी सब वर्किंग था. सो मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं, खाली रिमोट को चेंज कर दिया. सो एवरीथिंग वाज गुड. सो बाकी इट डज वर्क एब्सोल्युटली फाइन, कोई इसमें इशू नहीं है. बाकी चेक करेंगे इसका कुछ और कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे. बाकी अभी एक बार इस पे वो जोड़ते हैं, क्या कहते हैं वायरिंग जोड़ते हैं. ऑलराइट गाइस, सो अब सब कुछ हो चुका है बट इट इज टाइम टू टेस्ट द थिंग आउट. सो मैंने आरसी को निकाला है बाहर क्योंकि इसकी लेंथ एक्चुअली थोड़ी छोटी है एंड ये वहाँ पीछे ही रहती है. एंड बेसिकली पहले 2 चैनल की वजह से आई एम यूजिंग दी स्प्लिटर्स. सो मैं ये स्प्लिटर्स भी निकाल रहा हूँ यहाँ से. देयर वी गो, ये एक स्प्लिटर एंड ये है गाइस दूसरा स्प्लिटर. सो इन स्प्लिटर से क्या होता है कि 1/2 मिल जाता है. चेक इट आउट, ये एक है एक साइड पे तो हमें 2 मिल जाते हैं. सो अब इसके साथ तो इसकी रिक्वायरमेंट थी बट इसके साथ ऑब्वियसली बातें नहीं है. सो मैं इसको जरा यहाँ पे जोड़ता हूँ इस वाले आरसीए के साथ एंड टेस्ट आउट करते हैं दोनों चैनल वर्किंग है कि नहीं. अभी एक ही ऑब्वियसली कनेक्टेड है तो एक ही चला के देखेंगे पहले. फाइनली ऑल ऑफ द स्कॉच लॉक्स आर कनेक्टेड. बहुत भीड़ बढ़ गई है यहाँ पे एंड ये रियर चैनल पे गाइस मैं यूज करने वाला हूँ सब ऊपर एंड फ्रंट चैनल पे ऑब्वियसली बात है कंपोनेंट्स. बस सारा काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बस अब आरसीएस जोड़ने हैं गाइस. बहुत ही मुश्किल एंड काफी ज्यादा मेहनत के बाद मैंने किसी तरीके से लाइनर कन्वर्टर को वहां पे फिट कर दिया है विद ऑल 5 कनेक्शंस जो इसकी वायरिंग हार्नेस है एंड 4 आरसीएस. सो अब इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, देन इन दोनों को भी कनेक्ट करते हैं, तब पता चलेगा एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन और नॉट. FM चलाना पड़ रहा है यार. So, actually, it's been a few days with that car skin LOC, जो कि भी brand new लगाया है, जैसे भी आपने देखा. थोड़े दिन हो चुके हैं, मैं थोड़े दिन से use कर रहा हूँ, and आप लोगों का मैं अच्छी तरह से इसके बारे में detail दे सकता हूँ. It actually rocks. अभी आप लोगों ने थोड़ा सा मैंने आपको जरा सा डेमो दिया. अगर लेट मतलब बड़ा डेमो चाहिए होगा तो प्लीज डू लेट मी नो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. मैं वो कुछ दिनों के अंदर एक बड़ा डेमो दे दूंगा. सो
All the speakers are looking absolutely fine and subwoofer भी एकदम बढ़िया चल रहा है, जबकि अभी पंक ऑडियो का 4 चैनल एम्पलीफायर मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे एंड इट इज ऑल्सो परफॉर्मिंग नाइस, जबकि सबवूफर थोड़ी सी और ज्यादा पावर हैंडल इजीली कर सकता है क्योंकि 325 वॉट्स एंड आई एम बेयरली गिविंग 250 वॉट्स आरएमएस विद दैट पंक ऑडियो 504 आई थिंक मॉडल है उसका, मैं फोटो आपके साथ डाल दूंगा उसकी। सो इन एनी केस एलओसी कार्स किन का 4 चैनल इट्स वेरी गुड, इट्स एक्चुअली मोर पावरफुल देन द एलओसी ऑफ दैट फेक जेबीएल और जेबीएल आई डोंट नो वो 2 चैनल था 4 चैनल यही एक्चुअली एक मेजर डिफरेंस यहां पे हमें देखने को मिलता है। सो ऑन दैट बॉम्बशेल गाइस लेट्स एंड दिस वीडियो अनबॉक्सिंग इंस्टॉल एंड लिटिल बिट ओवरव्यू आप सबको मैंने यहां पे दे दिया है एंड अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा डिटेल चाहिए होगी तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं रिप्लाई भी कर दूंगा एंड वीडियो जी होगा तो थोड़ा सा इस वीडियो में व्यूज अच्छे ले आना तभी दे पाऊंगा यार, अदरवाइज यार मोटिवेशन नहीं मिलती। सो एनी केस गाइस अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, आप लोग पहली बार ये कुछ वीडियो देखा तो ऑडियो रिलेटेड वीडियोस गाइस बहुत सारे चैनल पे, बेल्ट्स भी हैं, होम ऑडियो बेल्ट्स भी हैं, बूम बॉक्सेस भी हैं, काफी कुछ है एंड उसके अलावा ट्रैवल व्लॉग्स भी हैं, कुछ कार रिव्यूज भी हैं, तो आपको अच्छा लगेगा आप एक बार वीडियोस एंड प्लेलिस्ट का सेक्शन देख लेना। ठीक है गाइस, चलो फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, सी या, हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन गाइस, टेक केयर, बाय।